नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ पहाड़ समाचार। लेकिन उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ सकते हैं देहरादून, 10 और 11 जुलाई को आ सकते हैं देहरादून। खलबली तेज हो गई, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। 5 राज्यों में चुनाव है तो दौरों का सिलसिला भी जारी हो गया है। इसी के चलते देहरादून जा सकते हैं जेपी नड्डा, 10 और 11 जुलाई को देहरादून जा सकते हैं जेपी नड्डा आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए। बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ सकते हैं देहरादून। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं अगली बड़ी खबर उत्तराखंड सियासत से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी देहरादून हुए रवाना, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंच रहे हैं देहरादून। 3 बजे बीजेपी विधानमंडल की बैठक में करेंगे शिरकत, तो बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मोहर। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी पहुंच रहे हैं देहरादून। तो पहले तीरथ सिंह रावत पहुंचे, उसके बाद अब प्रदेश प्रभारी रवाना हुए हैं देहरादून के लिए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मोहर। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी देहरादून पहुंच रहे हैं। पहले तीरथ सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया और अब देहरादून में हाई लेवल मीटिंग रखी गई है, इसमें नए मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा होगी। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मोहर। मैं इस खबर पर इस वक्त शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, कई लेवल्स की मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग भी कहीं ना कहीं बहुत अहम मानी जा रही, क्या लग रहा है इस मीटिंग में किस नाम के ऊपर मोहर लग सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर मोहर लगाने की बात भी सामने आई है। जी बिल्कुल, बता दो आपको, जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति का माहौल दिन पर दिन गर्माता जा रहा है, उसके बाद जब कल के बाद इस्तीफा 11 बजे जब पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने दिया, उसके बाद से अब सियासी हलचल बहुत बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं सतपाल महाराज जी और धन सिंह रावत जी का नाम इस रेस में बहुत आगे चल रहा है, क्योंकि दावेदार दोनों पुराने हैं और कहीं ना कहीं इनके नामों पर, इन दोनों के नामों पर ही माहौल लगने की संभावनाएं हैं। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, इस पर मोहर लग सकती है। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, नरेंद्र सिंह तोमर, अनिल बलूनी इस मीटिंग में शामिल होंगे। इसी के साथ करते हैं शुरुआत उत्तराखंड की खास खबरों के साथ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को त्याग पत्र सौंप दिया। त्याग पत्र सौंपने के बाद उन्होंने बीजापुर गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 और संविधान की धारा 164 के चलते सामान्य संकट की स्थिति थी, इसे देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना उचित समझा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें समय समय पर MLC विधायक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, सांसद और फिर मुख्यमंत्री तक के दायित्व दिए। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ पार्टी नेताओं के प्रति आभार भी जताया। अभी माननीय राज्यपाल जी के यहाँ इस्तीफा देकर आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ। जो चुनाव आयोग के कारण 151-164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था, और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए,
मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का माननीय वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगा कि नेतृत्व ने मुझे समय समय पर विभिन्न दायित्व दिए और एमएलसी से लेकर के विधानसभा से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद तक और मुख्यमंत्री बनाने तक मैं हृदय से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का और अन्य वरिष्ठ नेताओं का हृदय से। चार महीने पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। यहां अब तक कुल 9 अलग अलग मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। अकेले बीजेपी ने ही 6 बार अपने मुख्यमंत्री बदले हैं। अब 7वीं बार नया मुख्यमंत्री चुना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ने तीरथ सिंह रावत पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री न केवल एक हास्यास्पद व्यक्तित्व बनकर रह गए, मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अब संवैधानिक आवश्यकता को समझ रहे हैं। आप भी सुनिए हरीश रावत ने और क्या कुछ कहा। वर्तमान मुख्यमंत्री न केवल एक हास्यास्पद व्यक्तित्व बन करके रह गए बल्कि सारे भाजपा की भी सरे चौराहे भद हुई। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और अब वो गवर्नर को इस्तीफा देंगे। खैर ये उनकी दलगत निष्ठा की बात हो सकती है लेकिन एक बात स्पष्ट है, न पहले वो संवैधानिक आवश्यकता को समझ पाए और न अब संवैधानिक आवश्यकता को समझ रहे हैं। भाजपा ने इन लगभग 4.5 साल के अंदर राज्य को भयंकर बेरोजगारी दी, अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति में निरंतर गिरावट आ रही है और कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। और छोड़िए टेस्टिंग घोटाले जो हरिद्वार में हुआ, उसने हमारी राज्य की साख को भी बट्टा लगाने का काम किया। भाजपा को इन सवालों का जवाब उत्तराखंड के लोगों को देना पड़ेगा। चाहे वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, 7वीं बार मुख्यमंत्री बदला जा रहा है और अब तीरथ सिंह रावत ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की वजह से जो फैसला आया है उसके लिए क्या लगता है किस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्या स्थिति पैदा हो गई इस तरह की जो उन्हें तत्काल प्रभाव से दिल्ली बुलाया जाता है, उसके बाद तीरथ सिंह रावत वहां से लौट कर इस्तीफा दे देते हैं राज्यपाल को। कीर्ति, में आपको बता दूं कि ये कल के घटनाक्रम में जो है ये संवैधानिक एक फैसले के तहत शायद ये फैसला किया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में कांग्रेस को बैठाए बैठाए एक मुद्दा मिल गया है और पहले इंद्र रावत अब तीरथ रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाने से कांग्रेस को बैठे बैठे ये मुद्दा भी मिल गया है। प्रमुख प्रतिपक्ष दल के सत्तारूढ़ भाजपा पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को राजनीतिक अस्थिरता में झोंकने का आरोप लगाते हुए ताबड़तोड़ हमला कांग्रेस कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज करते हुए कहा कि राजनीतिक घटनाक्रम में प्रदेशवासियों
को डबल इंजन की परिभाषा अब समझ में आ रही है। राज्य में शासन व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जनों को हमले की धार और पैना करने का मौका मिल गया है। उत्तराखंड में महज 11 सीटों तक सिमट कर रह गई कांग्रेस को लोकसभा पंचायतों में भी संभलने का मौका नहीं मिला था, और अब ये जरूर हुआ है कि विधानसभा चुनाव चंद कदमों के फासले पर खुद भाजपा ने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के पस्त पड़े मनोबल को नई जान फूंक दी है। जी, हरीश रावत से इस्तीफा की मांग की गई थी, उसके बाद तीरथ सिंह रावत को भी अभी ज्यादा समय नहीं बीता था, और लगातार ये इतिहास भी देखते आए हैं कि उत्तराखंड में कि जिस तरह से भाजपा में इस तरह नए नए सीएम बनाए जाते रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त नए नाम की चर्चा में कौन शामिल है, किसके ऊपर आज मोहर लग सकती है, क्योंकि आज बड़ी लेवल की हाई लेवल की मीटिंग भी है। जी, मैं कीर्ति आपको बता दूं कि बड़े नामों में सबसे बड़े पहले आपको ये बता दूं कि आज जो है प्रदेश के प्रभारी जो पर्यवेक्षक के रूप में नरेंद्र तोमर जो है उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, और शाम को एक विधायक दल की बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि विधायकों में ही कोई नेता चुन लिया जाएगा, उनमें से बिशन सिंह चौपाल का नाम भी सामने आ रहा है, पुष्कर धामी और सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये सभी नाम जो है सामने आ रहे हैं। अगर कीर्ति अभी इनसे फैसला नहीं हुआ तो सांसदों में भी जो है मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा, उनमें से अजय भट्ट का नाम भी, डॉक्टर निशंक का नाम भी सामने आ रहा है, तो शाम को ही ये फैसला हो सकता है। जी जी बिल्कुल विनोद, कहीं ना कहीं नामों की चर्चा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस खबर पर, और लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सामने आ रहा है, चीजें देखने को मिल रही है कि उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, ये सातवां मुख्यमंत्री बदला गया है। तीरथ सिंह रावत को भी तत्काल दिल्ली बुलाया जाता है, उसके बाद वहां पर क्या लेवल पर मीटिंग होती है उसको लेकर ये फैसला लिया जाता है कि उनके इस्तीफे की मांग कर दी जाती है और वो इस्तीफा दे देते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इस्तीफे की मांग हो रही थी तीरथ सिंह रावत की, और अब देखना है होगा कि आज हाई लेवल की मीटिंग है तो उसमें किस तरह पर कौन से नाम पर मोहर लगती है। वहीं एम्स ऋषिकेश से अब नेत्र विहीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी एम्स में निजात की गई है जिससे आंखों की कॉर्निया 4 की जगह 14 दिन तक स्वस्थ रहेंगी। इस टेक्नोलॉजी के ईजाद होने से तमाम नेत्रविहीन लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बता दें कि लोगों को नेत्रदान करने के प्रति जागरूक करने के लिए लायंस क्लब और अन्य सामाजिक संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं, जो मृतक के परिजनों से मिलकर नेत्रदान कराने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन समय पर नेत्रविहीन लोगों के एम्स में नहीं पहुंचने पर मरने वालों से मिली आंखों की कॉर्निया को सुरक्षित रखना डॉक्टरों के लिए चुनौती बना हुआ था। अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी एम्स ऋषिकेश में इजाद की गई है जिससे आंखों की कॉर्निया की 4 की जगह 14 दिन तक स्वस्थ रहेगी। कोई नई चीज नहीं है, होता पहले भी था। हम लोग क्या करते थे कि जो जैसे एक मीडिया आता है एमके मीडिया, जिसमें हम कॉर्निया को सिर्फ 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, और अब दूसरा एक और मीडिया आ चुका है जैसे कॉर्निसोल, केसोल, ये जो मीडियाज हैं इसमें 14 दिन तक रख सकते हैं कॉर्नियाज को। उसके मतलब कॉर्निया की जो हेल्थ है वो बनी रहेगी, तब हम ट्रांसप्लांट करेंगे किसी को तो उसको दिखाई देता है। तो क्या हुआ कि कोरोना काल में सारे आई बैंक्स बंद हो गए, कोविड के क्योंकि ट्रांसमिट होता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से, तो सब बंद कर दिया गया। तो तब उस टाइम पे ज़रूरत ही मतलब पेशेंट तो फिर भी आ रहे थे जिनकी आंखें फट जाती थी, या मतलब जिनको इन्फेक्शन हो गया, जिनको संक्रमण हो जाता है, तो उनकी आंख बचाने के लिए तब ये ग्लिसरीन प्रिजर्व कॉर्निया काम आया था। ये पहले भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि 14 दिन के बाद अगर किसी वजह से पेशेंट जैसे नहीं आ पाए या पुतली हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए, कोई भी रीज़न हुआ रहे, तो उसमें हम क्या करते हैं इस कॉर्निया को फिर ग्लिसरीन में प्रिजर्व कर लेते हैं, स्टेराइल करके ग्लिसरीन को और उसमें प्रिजर्व कर देते हैं। हमीरपुर के भगवानपुर निवासी हिंदू संप्रदाय के युवक ने दूसरे संप्रदाय की युवती से शादी करने के बाद अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। प्रेमी युगल का कहना है कि उन्होंने इस साल 2019 में आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी की थी। शादी करने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में ये अर्जी दी थी कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने उनकी सुरक्षा के 29 जून 2021 को आदेश भी दिए थे, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई है। बालिकों अपना अच्छा समझ सकता हूँ, और मैंने एक बालिक लड़की से ही शादी करी है जो कि वो भी अपना अच्छा समझ सकती है। हमने
आर्य समाज से शादी करी, उसके बाद मैं नैनीताल हाई कोर्ट में प्रोडक्शन के लिए अपील किया और अपील होने के बाद में 29/6/2021 को मैं प्रोडक्शन मिल भी गई। उसे हम तब थाने में जो है प्रोडक्शन मिलने के बाद थाने से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, पुलिस वालों से हमें प्रोडक्शन मिली है और उस प्रोडक्शन का हमें प्रशासन से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उल्टा वो हमारे। हरिद्वार में प्रॉपर्टी डीलर के हौसले किस कदर बुलंद है इसकी ताज़ा बानगी भाद्राबाद में देखी गई। यहां प्रॉपर्टी डीलर से अपने जमीनों के रेट को बढ़ाने के लिए वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स ने वन विभाग की जमीन पर रास्ता बनाकर सरकार के राजस्व को अच्छा खासा चूना लगाया है। नीरज कुमार DFO हरिद्वार ने नाराजगी जताते हुए बताया कि वन विभाग की सुरक्षित भूमि पर किसी भी तरह की अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर इस तरह का मामला है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूं तो कोविड आपदा के दौरान लोगों के जीवन पर गंभीर असर डाला है, लोगों को अपने कामों को छोड़ना पड़ा और वापस अपने गांव को लौटना पड़ा। सरकारों ने ऐसी स्थिति को देखते हुए समय समय पर प्रवासियों के लिए स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा भी की। इसी कड़ी में अल्मोड़ा जनपद में भी लौट रहे प्रवासी ग्रामीणों के सरकार ने कई रोजगार परक योजनाओं को संचालित किया। अल्मोड़ा जिला प्रशासन के अनुसार 19,000 अधिक लोग कोविड की महामारी के बीच अपने गांव आए हैं। इन लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए मनरेगा सहित कृषि, उद्यान और बागवानी की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। हमारे शासन से निर्देश थे कि प्रत्येक विधानसभा वाइज 1-1 करोड़ की धनराशि जो है वो कोविड और उससे संबंधित कार्यों में लगाई जाएगी। अभी तक हमारे पास जो 6 विधानसभाओं से लगभग 6 करोड़ के सापेक्ष लगभग 4 करोड़ के प्रस्ताव आ चुके हैं। इसमें अधिकांश प्रस्ताव ऑक्सीजन प्लांट के लिए हैं, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए भी उसमें प्रस्ताव रखे गए हैं और अन्य कुछ जैसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए सुरक्षा किट या कंज्यूमेबल्स हैं। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ दिनेश जुड़ चुके हैं। स्वरोजगार देने की पहल की जा रही है, दिनेश क्या कुछ तैयारियां की गई है रोजगार देने के लिए? जी, ये क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी है, जो प्रवासी यहाँ पर आए हैं उनके लिए खेती एकमात्र ऐसा जरिया हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत पुराने इतिहास रहा है कि खेती की वजह से बहुत आत्मनिर्भरता रही थी, लेकिन तमाम कारणों की वजह से और जो पलायन की स्थितियां बनी कि जो जंगली पशु है या जो कृषि के क्षेत्र में कोई उपयोगी तरीके की नीति बनाने की जो कमी रही, जिसकी वजह से लोगों को कृषि से अपना यहाँ पर कृषि पर आधारित काम को छोड़कर बाहर पलायन करना पड़ा। लेकिन यदि आज की जो परिस्थितियां हैं जो कोविड के बाद बनी हुई है, यदि यहाँ पर लोग तो आ रहे हैं और सोच के भी आ रहे हैं, काफी पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर जज्बा भी है, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई ठोस योजना बनाए, क्योंकि सहकारिता को लेकर या राज्यबंदी को लेकर बहुत बार सरकार के प्रयास विफल हो चुके हैं। आने वाले समय में यदि सरकार इस पर एक ठोस कार्य नीति बनाती है और पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी रखती है कि इस क्षेत्र को जो जैविक खेती का सवाल है, सहकारी खेती का सवाल है, इससे जाकर अगर किया जा सके तो यहाँ पर फूलों फलों और जो यहाँ की जो पारंपरिक कृषि रही है, खेती रही है, उससे यहाँ के लोग आत्मनिर्भरता की ओर को बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बागवानी की योजनाओं से लाभान्वित अब किया जाएगा प्रवासी रोजगारों को, प्रवासियों को कृषि क्षेत्र में भी प्रोत्साहन मिलेगा। पौड़ी के कोटद्वार में आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी है। यहां आदमखोर तेंदुए ने एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया। वहीं वन विभाग पर आरोप लग रहा है कि विभाग की तरफ से हर बार पिंजरे में कैद तेंदुए को दिखाकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। बता दें कि कुछ साल पहले भी जनपद पौड़ी के बीरोखाल ब्लॉक में एक बच्ची पर तेंदुए ने हमला किया था। इसी तरह की घटना पिछले महीने ब्लॉक पोखड़ा तहसील चौबट्टा खाल में महिला को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था। लगातार हो रहे तेंदुए के हमले से लोग परेशान और डरे हुए हैं। बाहर समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही।
फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।